आगे बढ़ें और आपको ये बताएं कि 15 साल नबील हैदर ने कम उम्री में मोबाइल एप्लीकेशन मुतारिफ करवा कर सबको हैरान कर दिया। इस वक्त नबील जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नबील, आपको सबसे पहले वेलकम करेंगे और आपसे जानना ये चाहेंगे कि इतनी कम उम्री में मोबाइल एप्लीकेशन बनाने का ख्याल कैसे आया आपको? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नबील हैदर है, मैं पाकिस्तानी हूँ। मैं FF मीटिंग मैसेजिंग जो ऐप है मैं उसका डेवलपर हूँ, और मुझे बचपन से ही शौक़ था कि मैं कोडिंग करूँ, और मुझे बचपन से शौक़ था कि मैं कंप्यूटर पे कुछ करूँ। बस पहले जब छोटा था तो पहले गेम खेलता था, अब जैसे जैसे आगे बढ़ता गया पूरी चीज़ें समझ में आती गई, तो फिर मुझे कोडिंग का शौक़ हुआ। जब मैंने स्कूल में सबसे पहली दफ़ा अपनी बुक के अंदर कोडिंग देखी और फिर मुझे पता चला कि जो जितनी भी एप्लीकेशन है वो इससे बनती हैं, तो फिर मैंने अपनी टीचर से डिस्कस करके वो सारी पाइथन मैंने स्कूल में पढ़ी, फिर दीगर सारी जो मैंने कोडिंग लैंग्वेजेस थी वो ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर दी थी, फिर क्रैश कोर्सेज किए, फिर काफ़ी वेबसाइट से और काफ़ी दीगर चीज़ों से मैंने रिसर्च करी। ये बताइएगा कि मोबाइल एप्लीकेशन को बनाने में कितना वक्त लगा आपको? उसके बाद मैंने FF मीटिंग को डेवलप करना शुरू कर दिया, तो मुझे FF मीटिंग को रन करने में और बनाने में 3 साल लगे, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर हैं जो एक मोबाइल उसको वो अपने ऊपर चला नहीं पाता, मोबाइल क्रैश हो जाता है, इसको रन नहीं कर पाता, तो मुझे उसकी वजह से भी काफ़ी टाइम लगा। फिर मेरे एप्लीकेशन जिस पे मैं बना रहा था लैपटॉप पे, उसके स्पेसिफिकेशंस जो है सारे स्पेक्स हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, तो मुझे फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हुए काफ़ी, तो मैंने फिर एप्लीकेशन को आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करता गया। फिर मुझे काफ़ी लोगों ने हेल्प करी कि इसको अपलोड करने में, जैसे कि फाइनेंशियली हेल्प करी गई थी मुझे अपलोड करने में, काफ़ी मेरे एक वेल विशर हैं तो उन्होंने मुझे फाइनेंशियली हेल्प करी थी। फिर इसको एप्लीकेशन को अपलोड करने के बाद काफ़ी अच्छा रिव्यू आना शुरू हो गया है, 1 महीना हो गया इसको अपलोड करे हुए और काफ़ी अच्छा रिव्यू आ रहा है लोगों की तरफ से, वर्ल्ड काफ़ी लोग इसके ऊपर स्विच करते जा रहे हैं और काफ़ी अच्छी रेटिंग आ रही है। नबील, ये बता, आपकी ये जो एप्लीकेशन है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, इसमें कौन से एडवांस फीचर्स हैं, ये एप्लीकेशन है किस बारे में? इसके अंदर क्लाउड स्टोरेज का फीचर है, इसके अंदर जैसे वीडियो रिव्यू का एक फ़ीचर मैंने दिया कि ऊपर जैसे एक वीडियो को रिव्यू करने के लिए, जैसे कि किसी ने आपको वीडियो सेंड करी तो आप उसको रिव्यू करने के लिए पूरी खोलनी पड़ते हैं, जैसे आप मीटिंग में भी हैं, उसने कहा है कि आप देख ले, तो वो वीडियो आप ओपन करें बगैर भी छोटा सा उसका क्लिप रिव्यू कर सकते हैं ऊपर से ही, बिना उसको म्यूट करे कुछ करे वो ऑटोमेटिकली म्यूट होता है। फिर दूसरी चीज़ इसके अंदर मैंने एक फ़ीचर ये भी ऐड करा, जैसे ओरिजिनल क्वालिटी पर फाइल सेंड करना, मूवी सेंड करना, ऑडियो वॉइस सेंड करना, फिर जैसे इसके अंदर इनस्क्रिप्टेड कॉल होती है। ये मुस्तकबिल में क्या करना है, क्या ऐसी फील्ड में आगे बढ़ना है, कुछ करना है? मैं एप्लीकेशन डेवलप ही करूँगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मेरा बचपन से ख्वाब था कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूँ, मुझे हमेशा से कंप्यूटर का शौक रहा है, तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, और इंशाल्लाह ये जो मेरा अभी कमिंग ईयर है इसके अंदर मैं इंशाल्लाह एक पाकिस्तान के लिए एक एप्लीकेशन, पूरी वर्ल्ड वाइड होगी वो अवेलेबल, लेकिन वो एक पाकिस्तान के लिए एक सरप्राइज़ होगा, वो मैं इंशाल्लाह लॉन्च करूँगा और वो बहुत एडवांस एप्लीकेशन। ठीक है नबील, अल्लाह ताला आपके इरादों में कामयाब करे, आपने हमसे बात की, बहुत शुक्रिया आपका।